मेरा लंच बन गया क्या? हाँ बेटा, बस 5 मिनट और। ठीक है, आप कर लो, जब बन जाए तो बुला लेना। मम्मी, मेरा लंच बन गया? हाँ बेटा, बस 2 मिनट और। क्या मम्मी, एक टिफिन बनाने का काम होता है और आप उसमें भी देर कर देते हो। आपकी वजह से मैं रोज लेट हो जाता हूँ। अरे ये तो रोज रोज की कहानी है इस घर की। चल रोहन, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। हे भगवान, आज तो बहुत काम था, बहुत थकान हो गई। हाँ मम्मी, मैं समझ सकती हूँ कि आप कितना थक जाते हो। काश भैया और पापा भी ये समझ पाते। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे आज तुम्हारी नानी का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? बेटा, उनकी तबीयत खराब है और मुझे उनसे मिलने जाना है, तो मैं आज शाम को ही निकल रही हूँ। ओहो, अभी तो बहुत कम बाकी है, छुट्टी का दिन खराब हो गया। कपड़े धोने हैं, फिर सुखाने हैं, तय करने और पता नहीं क्या क्या। पापा जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मशीन? एक साथ में कितने काम करूं, मैं भी थक गया हूँ। मम्मी भी तो मशीन की तरह इतना सारा काम करती है, वह भी थक जाती होंगी, लेकिन वह तो कभी कुछ नहीं बोलती। ओह, आज कितना काम था करने को, मैं तो थक गया। अब आपको समझ आया पापा कि मम्मी कितना काम करती है? हाँ दीदी, सही कह रही हो, मुझे भी आज पता चला कि मम्मी हमारे लिए कितना काम करती है। हाँ अनीता, बच्चे सही कह रहे हैं, मुझे भी आज ही तुम्हारी अहमियत समझ में आई और एहसास हुआ कि तुम बिना कोई शिकायत किए हमारे लिए कितना काम करती हो और कभी गुस्सा भी नहीं होती। हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मम्मी, वी लव यू। माँ जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। अनीता, मेरा टॉवल कहाँ है? माँ मुझे देर हो रही है, मेरा बैग पैक कर दो। क्या आपके ख्याल में एक गृहिणी को उसके काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है? गृहिणी का आर्थिक विकास में पूरा योगदान होता है, जिसके लिए उसे श्रेय देना आवश्यक है। मम्मी, मेरा लंच बन गया क्या? हाँ बेटा, बस 5 मिनट और। ठीक है, आप कर लो, जब बन जाए तो बुला लेना। मम्मी, मेरा लंच बन गया? हाँ बेटा, बस 2 मिनट और। क्या मम्मी, एक टिफिन बनाने का काम होता है और आप उसमें भी देर कर देते हो। आपकी वजह से मैं रोज लेट हो जाता हूँ। अरे ये तो रोज रोज की कहानी है इस घर की। चल रोहन, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। हे भगवान, आज तो बहुत काम था, बहुत थकान हो गई। हाँ मम्मी, मैं समझ सकती हूँ कि आप कितना थक जाते हो। काश भैया और पापा भी ये समझ पाते। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे आज तुम्हारी नानी का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? बेटा, उनकी तबीयत खराब है और मुझे उनसे मिलने जाना है, तो मैं आज शाम को ही निकल रही हूँ। ओहो, अभी तो बहुत कम बाकी है, छुट्टी का दिन खराब हो गया। कपड़े धोने हैं, फिर सुखाने हैं, तय करने और पता नहीं क्या क्या। पापा जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मशीन? एक साथ में कितने काम करूं, मैं भी थक गया हूँ। मम्मी भी तो मशीन की तरह इतना सारा काम करती है, वह भी थक जाती होंगी, लेकिन वह तो कभी कुछ नहीं बोलती। ओह, आज कितना काम था करने को, मैं तो थक गया। अब आपको समझ आया पापा कि मम्मी कितना काम करती है? हाँ दीदी, सही कह रही हो, मुझे भी आज पता चला कि मम्मी हमारे लिए कितना काम करती है। हाँ अनीता, बच्चे सही कह रहे हैं, मुझे भी आज ही तुम्हारी अहमियत समझ में आई और एहसास हुआ कि तुम बिना कोई शिकायत किए हमारे लिए कितना काम करती हो और कभी गुस्सा भी नहीं होती। हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मम्मी, वी लव यू। माँ जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। अनीता, मेरा टॉवल कहाँ है? माँ मुझे देर हो रही है, मेरा बैग पैक कर दो।
गृहिणी का आर्थिक विकास में पूरा योगदान होता है, जिसके लिए उसे श्रेय देना आवश्यक है।